ठीक है स्मोथनिंग होता है स्मोथनिंग में क्या होता है सफोकेशन के अंदर हेडिंग है जिस स्मूथनिंग ठीक है हम लोग जो माउथ है ठीक है ना और नॉस्ट्रिल जो है उसको हम टुगेदर हैंड से या फिर किसी और मीन से क्लोज कर रहे हैं ठीक है क्लोजर ऑफ द माउथ एंड द नोस्ट टूगेदर नाक को भी और मुंह को भी क्लोज कर रहे हैं हैंड से या फिर कोई अदर मीन से एक होता है एक्सीडेंटल एक होता है होमिसाइडल अगर वो एक्सीडेंटल डेंटल की बात करेंगे तो इन्फेंट जो होगा कवर्ड बाय हेवी मेटल या फिर बेडशीट इन्फेंट को कैसे हम लोग कवर कर दिया है या तो हेवी ब्लैंकेट से कवर कर दिया है हेवी बेडशीट से कवर कर दिया गया है या फिर चाइल्ड प्लेइंग विथ प्लास्टिक बैग ओवर द फेस मतलब कि चाइल्ड जो है वो प्लास्टिक बैग से खेल रहा है ओवर द फेस के ओभर में ठीक है एडल्ट जो है वो गिर गया फॉल इंटू द पाइल ऑफ सैंड या फिर मर्ड कहाँ पर गिर गया पाइल ऑफ सैंड में या फिर मर्ड में तो क्या हुआ स्मोथनिंग मतलब क्लोजर ऑफ माउथ एंड नॉस्टल टूगेदर बाई हैंड और एनी अदर मीट एक्सीडेंटल में क्या है इन फैंड को कवर कर दिया गया हैवी ब्लैंकेट uh, से या फिर बेड शीट से बच्चा जो की है प्लास्टिक बैग को फेस पर रख करके प्ले खेल रहा है और एडल्ट जो हो गया गिर गया, गया है कि इसमें पाइल ऑफ सैंड में या फिर मड में Take एक एक्सीडेंटल हो गया होमिसाइडल में क्या हो गया इंटेंशनली क्लोज क्लोजिंग द माउथ एंड नोस्ट्री विथ पिलो और हैंड्स मतलब इंटेंशनली ठीक है ना मतलब कि किसी ने जान करके दैट वी हैव रेड की एक्सीडेंटली बच्चे का बेडशीट से हो गया अडल्ट गिर गया ठीक है ना मि मिट्टी में या फिर सैंड में बच्चे ने प्लास्टिक बैग कवर कर लिया अपने फेस में बट होमिसाइडल मतलब इंटेंशनली किसी ने माउथ या नॉस्ट्री को कवर कर लिया किसी से पिलो से या फिर हैंड से कर दिया किसी ने किसी का ठीक है ना अगर हैंड यूज किया है इट विल लीड टू पिल

लिब में कॉन्ट्यूशन होगा एंड देर विल बी टीयर और रक्चर ऑफ फ्रेनुलम क्या होगा जो हमारा फ्रेनुलम जो नोज वाला के पास जो है वहाँ पे टीयर हो जाएगा या फिर फ्रैक्चर हो जाएगा टीयर हो जाएगा फ्रैक्चर हो जाएगा रक्चर हो जाएगा फ्रेनुलम का जो इन्फेंट है और एल्डरली जो होते हैं वो बहुत इजिल स्मोदर्ड हो जाते हैं एंड सुसाइडल स्मूथनिंग इज वेरी अनलाइकली मतलब खुद से खुद को इस तरह से करना दैट इज़ वेरी टफ वेरी अनलाइकली नहीं होता ऐसा आफ्टर दिस गैगिंग एक तो हमने देखी सफ ओकेशन में एक होगा स्मोदरिंग एक हम लोग पढ़ेंगे गैगिंग पढ़ेंगे एक चौकिंग पढ़ेंगे ट्रॉमेटिक अस्पेक्सिया पढ़ेंगे तो गैगिंग में क्या होता है कि थ्रस्टिंग थ्रस्टिंग ऑफ क्लॉथ या फिर पैड uh, जिसको बोलते हैं माउथ में क्लॉथ को भर देना पैड को भर देना और इससे क्या होता है फैरिंग जो होता है उसको ऑब्स्ट्रक्ट कर देते हैं ऑब्स्ट्रक्शन ऑफ फैरिंग्स कर देते हैं जिसके कारण असफिक्सिया हो जाता है तो क्या होता है थ्रस्टिंग ऑफ क्लॉथ या फिर पैडिंग टू द माउथ जिसके कारण फैरिंग्स में ऑब्स्ट्रक्शन हुआ था दिस लीज टू असफिक्सिया दैट उसमें उससे क्या होता है असफिक्सिया हो जाता है कैन बी सीन इनपिंग किडनेपिंग केसेज एंड अडक्शन केसेज कैन लीड टू अन इंटेंशनल देथ वेन गैग यूज टू साइलेंट द विक्टिम ठीक है मतलब कि मोस्टली किसमें दिखता है ऐसे किडनेपिंग uh, केसेज में दिख जाएगा ठीक है ना अडक्शन केसेस में दिख जाएगा एंड देट लीड टू अन इंटेंशनल देथ तो so, फिर क्या होता है जो कि किडनैपिंग केसेस होते हैं अबडक्शन केसेस में होते हैं उसमें सबसे पहले जो क्लॉथ होता है उसको हम लोग पुश करते हैं मौत में इसी कारण अनइंटेंशनल डेथ हो जाता है मतलब कि हम लोग को विक्टिम को साइलेंट करने के चक्कर में हम लोग उसका डेथ ही कर देते हैं दिट इज जनरली होमिसाइडल डेथ होमिसाइडल डेथ होता है किसी और के थ्रू होता है चॉकिंग इन नॉर्मल पर्सन में क्या होता है इंटैक्ट गैग होता है कफ रिफ्लेक्स होता है दैट इज सडन एंट्री ऑफ फॉरन बॉडी लाइक फूड बॉलस इनटू द एयर वे ठीक है नॉर्मल पर्सन में क्या होता है जैसे कि कोई भी अगर फूड बोलस हमारा एयर वे में चला गया तो उसको इंटैक्ट मतलब थोड़ा तो गैगिंग रिफ्लेक्स आए, आएगा कफिंग रिफ्लेक्स आएगा ठीक है ना एंड um, उसके बाद लीड टू रेस्पेरी डिफिकल्टी देट इज कॉल्ड साइनोसिस और कफ एस्पेक्सियल डेथ हो जाता है ठीक है इसमें फर्स्ट एड हम लोग करते हैं मतलब कि बेसिकली जब एयरबे में चला जाता है तो उसको रेस्पेरी डिफिकल्टी होता है उसको कफिंग होगा ठीक है जिसके कारण कभी कभी स्पेक्सिय होता है और डेथ हो जाता है इसमें यूज एक होता है फर्स्ट एड जिसको बोलते हैं हेमिलिक्स मैनुबर क्या बोलते हैं जिसमें केपी गैस्ट्रियम के ऊपर प्रेशर डालते हैं ठीक है अगर पर्सन इंटॉक्सिकेटेड है या फिर ड्रग्ड है दैट तो लीड टू तो डिप्रेस गैग रिफ्लेक्स मतलब कि अगर पर्सन क्या है है या फिर ड्रग्ड है तो उसमें गैग रिफ्लेक्स जो होता है डिप्रेस हो आता है तो इसके कारण उन लोगों में चोकिंग का चांसेस बहुत ज्यादा हाई रहता है इसके बाद क्या, क्या आता है कैफे कॉर्नरी सिंड्रोम क्या आता है कैफे कॉर्नरी सिंड्रोम आता है जो ओबीज पीपल होते हैं जो इनटॉक्सिक्रेट पीपल होते हैं जो ड्रग पीपल होते हैं अंडरगो करता है सडन डेथ वाइल्ड ईटिंग ठीक है ना जो ओबीस पीपल होते, होते, होते हैं है जो, है, जो कि इनटॉक्सिक्रेट जो कि नशे की हालत में रहते हैं जो ड्रग्ड रहते हैं ठीक है ना वो सडन डेथ में चले जाते हैं जब वो खा रहे होते हैं एंड मिस नोम इस पर्सन डज नॉट डाई ड्यू टू ऐसा लगता है कि पर्सन पर्सन Number, यह है कि पर्सन ड्यू टू डॉट डाइट मायोकार्डियल इन्फ्रैक्शन कॉज ऑफ डेथ क्या होता है वेकल इनिबिशन हार्ट ठीक है फूल में क्या है ट्रोमेटिक हम ट्रोमेटिक एस्फिक्सिया की बात करें तो एस्फिक्सा ड्यू टू ड्यू टू रेस्ट्रिक्शन ऑफ लंग एक्सपेंशन एज ए रिजल्ट ऑफ मैकेनिकल फिक्सेशन ऑफ चेस्ट मतलब एसफेक्सिया क्यों होता है लंग एक्सपेंशन को रेस्ट्रिक्ट रुकावट से क्यों क्यों ऐसा होता है क्योंकि हम लोग चेस्ट में मैकेनिकल फिक्सेशन कर देते हैं काउस ऑफ व्हाट इज द काउस ऑफ मैकेनिकल फिक्सेशन ऑफ चेस्ट हमने चेस्ट पे कोई हैवी वेट रख दिया जैसे ही क्या हो गया स्टेम्पेड रख दिया उसको हमने बरी कर दिया ए मतलब जिंदा हमने उसको गाड़ दिया तो क्या जो मिट्टी का जो बोझ है दैट विल काज ट्रोमेटिक्स या उस पर बिल्डिंग गिर गया बिल्डिंग कोलैप्स हो गया ठीक है तो क्या हो गया एस्पेक्सिया ड्यू टू तो रेस्ट्रिक्शन ऑफ लंग एक्सपैशन तो लंग एक्सपैंड नहीं कर पा रहा है क्यों ऐसे रिजल्ट ऑफ मैकेनिकल फिक्सेशन ऑफ चेस्ट के कारण ठीक है ना क्यों होता है कोई भी हैवी बेटल में रख दिया चेस्ट पे ऐसे कि स्टैम्पेड होता है उसको बर्निंग एलाइट कर दिया बिल्डिंग को हो गया दिस टाइप ऑफ डेथ इज ड्यू टू ट्रोमैटिक एस्फेक्सिया ये डेथ क्यों होता है ट्रोमैटिक एस्फेक्सिया के कारण होता है हैवी बीट को रखा चेस्ट पे जिसके कारण वीनस रिटर्न जो है वो ऑब्स्ट्रक्ट हो जाता है कहाँ से हिट से चेस्ट की तरफ आफ्टर दिस जो पार्ट ऑफ बॉडी जो कि एब एब द लेवल ऑफ बेट जो बेट के ऊपर में जो होता है पार्ट ऑफ बॉडी वहाँ पे साइनोस्ट फेस हो जाता है क्या होता है साइनोस्ट फेस जो होता है माना साइनोसिस हो आता है जिसको हम लोग बोलते हैं मास्क्यू इकाई मोटी मोटी का है ठीक है ना और पार्ट ऑफ चेस्ट मतलब कि बेट, बेट चूंकि बेट वहां पे चेस्ट पे रखा गया है तो जो हमारा रिब्स होता है वो पेल हो जाता है पेल कलर्ड हो जाता है और फ्रैक्चर हो जाता है तो यहां पे रिप्स जो हो रहा है पेल हो रहा है मतलब वहां पे वीनस कंजेशन हो रहा है लेकिन जो हमारा बेट जहां पे रखा गया उसके ऊपर में हमारा साइनोसिस हो रहा है इसका मतलब साइनोस्ट हो रहा है मतलब वहां पर आर्ट्री भी और वेन दोनों कंप्रेस हो चुका है ठीक है अब पोजिशनल एस्पेक्सिया ठीक है हम लोग पोजिशनल स्पेक्सर देखेंगे कि जो लंग एक्सपेंशन है वो रिस्ट्रिक्ट कर गया क्यों क्योंकि हमारा बॉडी किसी ना किसी अब नॉर्मल पोजिशन में है जैसे कि सबसे पहले में क्या है जैकनाइक पोजिशन क्या होता है जैकनाइ पोजिशन जिसको जिसमें क्या बोलते हैं जो एबडोमिनल ऑर्गन जो होता है वो हमारे मतलब कि हम लोग उल्टा उसको लेटा दिए तो जो एबडामिनल ऑर्गन जो होता है वो लंग्स को कंप्रेस कर देता है तो उसका पोजिशन हमें याद रखना है पोजिशन इज कॉल अ नाइफ पोजिशन सेकेंड में क्या है इन्वर्टेड क्रूसी फिक्स ऑन मतलब जैसे एक्सरसाइज होता है ना हेड के एलोंग में करते हैं उसी तरह में यहाँ जो होता है बहुत देर तक अगर किसी को उल्टा लटका दिए तो जो जो स्टमक जो जो इंटरनल ऑर्गन्स है वो लंग्स को कंप्रेस कर देगा इसको हम बोलते हैं इन्वर्टेड क्रूसी ऑन आफ्टर द ओवरलाइन ओवरलाइन मतलब क्या होता है कि जो कोई भी बड़ा बड़ा इंसान ओबीज इंसान जो होता है वो छोटे बेबी के साथ जब अपने बेड को शेयर करता है तो उसमें क्या होता है कि उसके लार्ज बॉडी बेड के अंदर स्मॉल बेबी घुस जाता है और जिसके कारण उसको स्मोदरिंग फील स्मोदरिंग होता है ठीक है उसका माउथ और नोस्टी सब बंद हो जाएगा प्लस टोमेटिक एसफेक्शिया भी क्योंकि उसका मतलब कि चेस्ट वहाँ पे कंप्रेस्ड हो जाता है दिस इज कॉल एस ओवरलेइंग जैसे एग्जाम्पल यहाँ पे फोटो भी दिया हुआ है ओवरलेइंग का उसकी तो उसमें दोनों हो रहा है उसका माउथ और नेक भी बंद हो जा रहा है और, और स्टमक भी उसका चेस्ट में भी उसका प्रेशर लग रहा है उसके बाद क्या है ब्रक वर्किंग में क्या होता है जो एक्यूज होता है वो चेस्ट पे बैठ जाता है जो विक्टिम है उसके चेस्ट पे बैठ जाता है और उसके माउथ को और नोस्ट्रल को दोनों को बंद कर देता है इसका मतलब क्या हो गया अगर वो चेस्ट पे बैठ गया है मतलब ट्रोमेटिक एस्फिक्सिया हो गया और चूंकि उसने माउथ और नोस को दोनों को बंद कर दिया तो उस भी हो गया है ठीक है और ये बेसिकली ये जो बर्किंग इसलिए फेमस है कि एक बिलियम बर्ग थे ठीक है ना और एक हारे था जो कि क्या करता था कि वो इंसानों को किल करता था और वो कैटावर्स को रिसर्च और स्टडी के लिए भेजता था This this बेड मतलब के, मतलब के बाद थोड़ा सा स्पेस है उसके बाद वॉल है तो ब, बच्चा रात में गुलरते -गुलरते नीचे गिर, गिर गया ठीक है तो इसमें क्या उसके अंदर चपा जाता है इसके कारण क्या होता है उसका चेस्ट कंपिटन होता है ट्रोमेटिक एस्फेक्सिया ठीक है उसको इन्वायरमेंटल सफोकेशन कभी कभी क्या होता है जो पर्सन होता है एयर मतलब कि एयर में ऑक्सीजन नहीं होता इसके कारण डेथ हो जाता है देन अक्कर जब पर्सन जो होता है एक कन्फाइंड स्पेस में कन्फाइंड रहता है ट्रैप हो जाता डता है, है जैसे कि कोई पर्सन सीवेज टैंक में गिर गया कोई पर्सन जो कि बेल बड़ा सा बेल है लेकिन उसे पानी भी नहीं है लेकिन बस बड़ा सा बेल है ठीक है ना बॉक्स में बंद हो गया तो यहाँ पे क्या होगा इन्वामेंटल सफोकेशन होने के कारण डेथ हो जाएगा नाउ नेक्स्ट टॉपिक इज ड्रॉनिंग ड्रॉइंग ड्रॉइंग में क्या है प्रोसेस ऑफ रेस्पिरेटरी इंपेयरमेंट ड्यू टू सबमर्जन और इमर्जन इन द वॉटर मतलब कि रेस्पिरेटरी इंपेयरमेंट हो जाता है किसी कारण या तो बॉडी सबमर्ज हो जाता है या फिर इमर्ज हो जाता है इमर्जन बेसिकली क्या बोलते हैं इमर्जन सबमर्जन होता है तो पूरा बॉडी पूरा बॉडी डूब गया ठीक है ना तो रेस्पिरेटरी इंपेयरमेंट हो गया इमर्जन मतलब क्या होता है कि सिर्फ और सिर्फ हेड सबमर्ज होता है वाटर में जो कि इनफ होता है ड्रॉन के लिए इसमें कंप्लीट सबमर्जन नॉट रिक्वायर्ड तो इमर्जन ये, ये हम समझ गए आफ्टर दैट मोस्ट ऑफ जो डेथ होता है ड्रॉनिंग ड्रॉइंग uh, का वो एक्सीडेंटल होता है कैसा होता है एक्सीडेंटल होता है मतलब कि पर्सन एक्सीडेंटली नदी में चला गया और पानी के बहाव से पीछे की तरफ चला गया तो इसका मैकेनिज्म में क्या होता है कि पर्सन वाटर में गिर जाता है उसको ब्रेथ होल्डिंग होता ब्रेथ होल्डिंग खुद को करता है क्योंकि सांस नहीं ले पाता तो ब्रेथ को खुद को होल्ड करता है अब जैसे ही वो ब्रेथ को रोकेगा तो पैनिक करेगा पैनिक करेगा तो अचानक से बहुत सारा मतलब तो उसको एयर हंगर फील ही होगा तो अचानक से बहुत इनवॉलेंट्री रोक ही नहीं पाएगा इनवॉलेंट्री इंस्पिरेशन होगा और इनवॉलेंट्री इंस्पिरेशन में क्या होगा पानी अंदर चला जाएगा तो क्या हुआ पर्सन वाटर में गिरा उसने अपना सांस को रोकना चाहा ठीक है ना ब्रेथ होल्डिंग किया लेकिन लेकिन पैनिक के कारण उसको एयर हंगर के कारण पैनिक हुआ और इंस्पिरेशन हो गया वाटर एंट्री हो गया अब वाटर एंट्री में भी दो तरह का होता है एक होता है सडन एंट्री ऑफ वाटर और एक होता लार्ज अमाउंट ऑफ वाटर इंटरिंग अगर सडन अमाउंट ऑफ वाटर एंटर कर गया फेरिंग्स में या फिर लैरिंग्स दोनों में तो रिफ्लेक्स वोकल कोड स्पाज हो जाता है क्या होता है वोकल कार्ड में स्पाज हो, हो जाता है जिसके कारण एस्फेक्सिया हो जाता है और डेथ हो जाता है क्या होता है एस्फेक्सिया एंड डेथ हो जाता है इसको हम लोग बोलते हैं ड्राई ड्रॉनिंग इसमें लंग्स के अंदर कोई भी वाटर एंटर नहीं करता है तो क्या हुआ सडन एंट्री ऑफ वाटर में क्या होता है ड्राई ड्रॉनिंग होता है सडन एंट्री ऑफ वाटर में क्या होता है फैरिंग्स और लैरिंग्स में सडन एंट्री हुआ वाटर का वोकल कॉर्ड का क्या हुआ रिफ्लेक्स स्पाज हुआ ठीक है ना रिफ्लेक्स हुआ वोकल कॉर्ड का क्योंकि ऑफकोर्स जब लाइनिंग्स में पानी जाएगा तो वोकल कॉर्ड चाहेगा ना कि उसको बाहर फेंक गए तो वहां पे स्पाज होगा और जिसके कारण एस्पेक्सिया हो जाएगा और डेथ हो जाएगा इसको बोलते हैं ड्राई ड्रोनिंग यहां पे कोई भी वाटर लंग्स में एंटर नहीं करता है बट लार्ज अमाउंट ऑफ अगर वाटर एंटर कर आ, कर रहा है लंग्स में तो लार्ज अमाउंट ऑफ वाटर चला गया इंटर्ड हो गया लंग्स में कितना फोर एम एल पर के कितना हुआ फोर एम एल पर के हुआ तो वाटर एल्ब्य में एंटर कर, कर जाता है और सरफेक्टेंट को धो देता है क्या कर देता है वॉश अबेद सरफेक्टेंट इसे कारण क्या होता है एल्ब्यूलर कोलेप्स हो जाता है क्या होता है एल्ब्यूलर कोलेप्स हो जाता है क्योंकि वेंटिलेशन अपॉन परफ्यूजन रेशियो जो होता है मिसमैच हो जाता है इसे कारण सेरेब्रल एनोक्सिया एंड डेथ हो जाता है क्या होता है सेरेब्रल एनोक्सिया एंड डेथ हो जाता है एंड दैट लीड टू दैट इज बेड ड्रॉनिंग तो क्या हुआ लार्ज अमाउंट ऑफ वाटर एंटर किया लंग्स में फोर एम पर के वाटर जो होता है एल्बोलिन में जाता है और सर्फेक्टेंट को धो देता है इसके कारण एल्बोलर को हो जाता है क्योंकि वेंटिलेशन अपन परफ्यूजन मिसमैच हुआ था इसके कारण सेरेब्रल में अनुष्य हुआ है और डेथ हो जाता है एंड दैट कॉज बेड ड्रॉनिंग ओके अगर वाटर जो होता है एंट्री करता है स्लोली ठीक है ना और धीरे धीरे एंटर कर करके इंक्रीज हो आता है अप टू सिक्सटीन एम पर के जी तो मेकेानिज़म जो होता है डेथ का वो डिफ़र करता है फ्रेश वाटर और सॉल्ट वाटर में ठीक है तो अभी उस तो थोड़ा पहले हमने पढ़ा कि फोर एम पर के जी होता है तब क्या होता है अनोक्शियान दे जिसको बोलते हैं बेड रॉनिंग बट अगर वाटर धीरे धीरे इंक्रीज कर रहा है सिक्सटी एम पर के तब तब उस फ्रेश वाटर और सॉल्ट वाटर में डेथ का मेकेजम होता है डिफरेंट होता है अगर हम फ्रेश वाटर डोनिंग की बात करें इसको बोलते हैं हाइपोटोनिक वाटर ठीक है ना तो अल्बोली में हाइपोटोनिक वाटर है फ्रेश वाटर है ठीक है ना तो उससे क्या हुआ जब नीचे जाएगा दैट लीड टू हीमोडाइल्यूशन क्या करवा देगा हीमोडाइल्यूशन करवा देगा क्यों क्योंकि हाइपोटोनिक वाटर है तो सारा का सारा ब्लड वेसल्स में वाटर चला जाएगा एंड इसके कारण क्या होगा हीमोडोल्यूशन से क्या होगा कि दैट विल रिजल्ट इन आरबीसी स्वेलिंग आरबीसी फूल जाएगा आरबीसी फूलने के कारण आरबीसी रपच्चर हुआ था जिससे कारण हिमोलाइसिस हो जाता है अब हिमोलाइसिस होने के कारण क्या होगा हाइपर केलेमिया हो जाएगा और हाइपर केलेमिया में क्या होगा आरबीसी जो होगा वो के प्लस रिलीज कर देगा एंड दैट विल कॉज वेंटिकुलर फिब्रिलेशन क्योंकि जब भी के प्लस ज्यादा होता है तो हमारा वेंटिकुलर फाइल शरीर में चला जाता है उसके बाद हाइपर वोलोमिया मतलब ब्लड लेवल बढ़ जाता है जिसके कारण जो हमारा हार्ट में कार्डियक ओवरलोड हो जाता है एंड दैट कार्डियक ओवरलोड ऑल्सो लीड टू वेंटिकुलर

ठीक है तो इससे क्या होगा कि जो एल्ब्योली में एंटर कर जाएगा फ्लूड जो एल्ब्योली में एंटर कर जाएगा तो जो हमारा लंग्स है उसमें एडिमेटिस लंग्स हो जाएगा इसके कारण एडिमेटिस लंग्स होने के कारण रेस्पिरेटरी फेलियर हो जाएगा क्या हो जाएगा रेस्पिरेटरी फेलियर हो जाएगा और हीमो कॉन्सेंट्रेशन हो जाएगा क्योंकि हमारा फ्लूड जो है वो सर्कुलेशन को लीव कर लेता है एंड देर विल भी इंक्रीज इन सोडियम क्लोराइड मैग्नीशियम स्टोनसियम क्या क्या बढ़ जाता है सोडियम बढ़ जाता है क्लोराइड बढ़ जाता है मैग्नीशियम बढ़ जाता है स्टोनसियम स्टोनपियम बढ़ जाता है हीमोग्लोबिन भी इंक्रीज हो जाता है एंड दैट रिजल्ट इन क्रिनेटेड आरबीसी उसमें क्या होता है हीमोग्लोबिन बढ़ जाने के कारण क्रिनेटेड आरबीसी हो जाता है हाइपोवोलोमिया होता है हाइपोगलोमिया के कारण ए से होता है ए स्टोली के कारण डेथ हो जाता है तो साल ओटोरोनी में क्या है हैपोटोनिक कंडीशन में एल्बोली में वाटर चला जाएगा इसको बोलेंगे पल्मोनरी ईडी में इसके कारण रिस्पेटिव फेलियर हो जाएगा हीमो कंसनट्रेशन क्यों होगा क्योंकि फ्लूड जो है सर्कुलेशन को लीव कर दिया है तो फ्लूड जब लीव कर गया तो हमारा जो जो भी आयन है उसका रिलेटिव कंसनट्रेशन बढ़ जाएगा तो एन ए प्लस बढ़ जाएगा सी एल माइनस ब्लड में बढ़ जाएगा एन जी प्लस टू बढ़ जाएगा स्टॉन्सियम बढ़ जाएगा हीमोग्लोबिन भी बढ़ जाएगा और सारे के सारे आरबीसी बी सी के रेडेड मतलब साथ साथ हो जाएगा तो कैरेडेड आरबीसी हो जाएगा

एंसियस इमोशनल मतलब कि उसको बहुत एंगजाइटी होता है और अपने आपको कंट्रोल नहीं करवा इमोशनल को तो कंट्रोल नहीं कर पाता है ठीक है ईयर ड्रम में पानी चला जाता है वाटर चला जाता है ईयर ड्रम में चला जाता है और एपी गैस्ट्रियम में इंपैक्ट हो जाता है क्या होता है इम्पैक्ट ऑन द एपी गैस्ट्रियम और ड्रग ड्राइविंग मतलब कि फॉलिंग इन टू वाटर फीट फर्स्ट है ठीक है तो तीन हो गया चार हो गया एक हो गया एनॉक्सियस इमोशनल स्टेज ईयर ड्रम में पानी चला जाएगा एपी पे बहुत इंपैक्ट पड़ेगा और डक ड्राइविंग होगा हिंस अब जैसे ही ठंडा पानी जाता है तो हमारा जो वेगस नर्वस सिस्टम है वेगस नर्व है उसका स्टिमुलेशन हुआ है और जैसे ही वेगस नर्व को हमें पता है कि वो हम वेगल इनिवेशन करवाता है तो वेगल इनिवेशन ऑफ हार्ट हो होगा जिससे कारण ब्रेडिक कार्डिया या फिर कार्डिय अरेस्ट हो जाएगा इसके बाद सेकेंडरी डोनिंग इसको हम लोग क्या बोलते हैं पोस्ट इमर्शन सिंड्रोम क्या बोलते हैं पोस्ट इमर्सन सिंड्रोम या फिर सेकेंडरी डोनी इसको एक टाइम और यूज करते हैं सेकेंडरी ड्रॉनिंग पोस्ट इमरसन ड्रॉनिंग या फिर नियर ड्रॉनिंग मतलब जो पर्सन जो होता है ड्रॉनिंग के बाद बच जाता है रेसिक्यू मतलब उसको लोग बचा लेते हैं लेकिन उसके बाद चूंकि लंग्स में पानी चला गया है उस समय तो जिंदा है बट मर जाता है क्योंकि कॉम्प्लिकेशन हो जाते हैं क्योंकि लंग्स में पानी चला गया और क्या क्या कॉम्प्लिकेशन होते हैं सेकेंडरी ड्रॉनिंग में या फिर पोस्ट इमरसन सिंड्रोम नाम से ही चल रहा है पोस्ट इमरसन होता है इमरसन होने के बाद नियर ड्रॉनिंग मतलब ड्रॉनिंग मतलब मतलब ड्रॉइंग होते होते बचा है नियर ड्रॉइंग ठीक है ना तो इसमें किस किस कारण से डेथ होता है एच आई ई जिसको बोलते हैं हाइपॉक्सिक है स्कीमिक क्या होता है हाइपोक्सी मतलब की कमी स्मिक ठीक है इनसेफेलोपैथी माइंड में प्रॉब्लम हो रहा है मेटाबॉलिक एसिडोसिस हो रहा है इलेक्ट्रोलाइट का इंबैलेंस हो रहा है और निमोनिया तो होगा ही दैट मे बी एस्पिरेशन निमोनिया तो क्या क्या होगा एच आई हाइपॉक्सिक स्कीमिक इनसीपेलोपैथी मेटाबॉिक एसिडोसिस होगा क्योंकि ऑफकोर्स एसिड uh, का इंबैलेंसमेंट होने के कारण मेटाबॉलिक एसिडोसिस होगा इलेक्ट्राइड इंबैलेंस तो होगा ही होगा क्योंकि जब हम लोग देख ही रहते जब फ्रेश वाटर है सब में कि कैसे के प्लस किसी में किसी में एन ए प्लस सी एल माइनस का इंक्रीमेंट और डिक्रीमेंट हो रहा था तो और एक होता है एस्पिरेशन निमोनिया ओके नाउ पोस्टमार्टम फाइंडिंग इन ड्रॉनिंग अगर किसी में ड्रॉनिंग होता है तो अगर हम लोग पोस्टमार्टम करते हैं तो उसमें क्या क्या हमें फाइनिंग्स मिलता है तो ड्राइंग एंटीमार्टम भी हो सकता है पोस्टमार्टम भी क्योंकि किसी को जिंदा हमने जिंदा किसी ने जिंदा डूब गया किसी ने डूबा दिया या फिर जिंदा गलती से गिर गया कभी ऐसा भी होता है कि पहले डेथ हो चुका है उसके बाद उसको ड्राइनिंग कर दिया गया है तो इसलिए हमें पहचाना बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि एंटीमार्टम है क्योंकि पोस्टमार्टम है एंड इट इस डायग्नोसिस ऑफ एक्सक्लूजन मतलब हम लोग एक्सक्लूजन मतलब कि हम लोग चीज़ों को सेपरेट करते हैं कि इसका ये रीजन नहीं हो सकता इसका ये रीजन नहीं हो सकता है तो में भी पता चलता है किसा इसका रीजन ड्रोनिंग ही होगा ठीक है ना फ्लोटेशन ऑफ बॉडी मतलब कितने दिनों के बाद बॉडी फ्लोट करने लगता है तो समर्स में एक दिनों के बाद ही और विंटर्स में दो से तीन दिनों लगता है तब उस, तब, उस तब उस वो फ्लोटिंग करने लगता है बॉडी ठीक है अगर हम ऑट्सी फाइंडिंग की बात करेंगे तो एक होगा कैडाबेरी केसपास में क्या होगा कैडाबेरी केडाबेरी के आसपास में मतलब क्या होता है जो ग्रास है जो मड है वो हैंड से टाइटली क्लस्ड रहेगा प्रेजेंस ऑफ ग्लास या फिर मड टाइटली क्लस्ड इन द हैंड सजेस्टिव होता है किसका मॉर्टम ड्रोनिंग का क्या होता है ग्रास और मट को प्रेजेंट टाइटली प्रेजेंट रहता है क्लिस्ड इन हैंड सजेस्टिव किसका होता है मॉर्टम ड्रॉनिंग uh, क्योंकि मॉर्टम में जब वो जब चल रहा होता जब वो तैर रहा होता है तो कुछ कुछ घास को पकड़ता है कि वो बच सके तो कर, वो परमानेंटली उस तरह से ही रह जाता है और दैट इज़ वेरी मतलब वो डिफिकल्ट है उसको रिमूव कर ही नहीं पा सकते हैं ठीक है और नहीं मतलब कि अगर कोई किसी का क्लेस्ड फीट है, closed feet है feet, मतलब कि अगर किसी का हैंड ओपन है तो उसको हम लोग खुद से बंद नहीं कर सकते हैं डेथ होने के बाद उसके बाद फ्रोथ इन या फिर मौत मतलब कि हमारी नॉस्ट्रेलिया है या फिर मौत है उसमें फ्रोथ आ जाना ठीक है ना तो फ्रॉथ जो हमारा ड्रॉनिंग के केस में आता है कैसा आता है फाइन टिनेशियस इसको बोलते हैं म्यूक्वाइड उसके कोपियस फाइन होता है टिनेशियस होता है कोपिवाइज होता है परसिस्टेंट मतलब हम लोग उसको हटाते रहेंगे लेकिन वो आते रहेगा हटाते रहेंगे आते रहेगा तो फाइन होगा टिनेशियस उसको म्यूक्वाइड म्यूक्वाइड फ्रोथ आते रहेगा कोपियस फ्रोथ आएगा परसिस्टेंस मतलब कि हम लोग हटाते भी रहेंगे तब भी आते रहेगा इसका मैकेनिज्म क्या है कि जब वाटर एंटर करता है एयरवे में तो हमारे एयरवे को इरिटेट करता है एयरवे को इरिटेट करने के कारण जो हमारा म्यूकस प्रोडक्शन होता है वो इंक्रीज हो जाता है ठीक है तो क्या हुआ वाटर एंटर किया एयरवे में एयरवे को इरिटेट कर देता है और म्यूकस म्यूकस प्रोडक्शन बढ़ा देता है ठीक है अब जो फ्रोथ हमने पढ़ा कि जो कि फाइन होता है टेनिशिय म्यूक्वाइड होता है कोपियस होता है परसिस्टेंस होता है फ्रोथ आखिर बनता कैसे किस चीजों से तो इसमें जो फ्रोथ होता है उस किस किस चीजों से बना होता है जैसे मिक्सचर ऑफ वाटर उसमें वाटर होता है म्यूकस क्योंकि ग्लैंड से म्यूकस आया एयर तो रहेगा ही रहेगा और क्टेंड क्योंकि वाटर हो गया म्यूकस फ्रॉम द्लैड ईयर तो रहेगा ही और सरफेक्टेड फ्रॉम द एलबियली ठीक है ना ये प्रोड्यूस क्यों होता है ड्यू टू वॉयेंट रेस्पिरेटरी स्ट्रगल जिसको लोग चर्निंग भी बोलते हैं कैसे प्रोड्यूस होता है वॉयेंट रेस्पिरेट्री स्ट्रगल से लोग क्या बोलते हैं चर्निंग मतलब उसको सांस लेने में बहुत प्रॉब्लम हो रहा है तो वो चाहता है कि वो सांस ले ठीक है ना तो इसलिए जो वॉयेंट जो, जो पर्सन जो मरते मरते जो रेस्पिरेटरी स्ट्रगल कर रहा था वॉयेंटली ठीक है ना इस इस, इस मूवमेंट को भी इसलिए हम लोग चर्निंग करते हैं और इस मूवमेंट के कारण जो फ्रोथ का प्रोडक्शन होता है नॉस्ट्रिल में मतलब कि हमारे रेस्पिरेटरी टैक्ट में ये और इसलिए ये एक, एक बेहतरीन सेशन देता है कि एंटी मॉर्टम ड्रॉनिंग है आफ्टर दैट कोई भी फ्रोत नहीं दिखता है किसमें इसमें इन ड्राई ड्रोनिंग ठीक है ना कि मतलब वाटर जब नहीं एंटर किया लंग्स में या फिर हाइड्रोक्यूशन मतलब ठंडे पानी में वाटर लिसन फाइव डिग्री सेल्सियस अनकॉन्सियस पर्सन में क्योंकि वो उसमें रेस्पिरेटरी स्ट्रगल है कोई भी मतलब कि कोई भी रेस्पिरेटरी स्ट्रगल नहीं हुआ है थर्ड में क्या है क्यूटिस एनीसेड़ना क्यूटिस एनीसेड़ना किसको बोलते हैं गूस फ्लेस ये एक नॉन स्पेसिफिक फाइंडिंग है क्योंकि जो मतलब इसमें बेसिकली क्या होता है देश के बाद जो इलेक्ट्रिक पिलाई मसल जो है हमारा स्किन में के अंदर वो स्टैंड अप हो जाता है तो ये एक नॉन स्पेसिफिक फाइंडिंग क्योंकि बहुत सारे में ऐसे होते हैं उसके बाद है बासर, बासर बासर हैंट, हैंट की बात करेंगे मैकेशन ऑफ स्किन और फिट hand, hand में, में क्यों ऐसा होता है क्योंकि जिसको बोलते हैं पानी लगना ठीक है इंबाइवेशन ऑफ वाटर इन द स्किन लेर स्किन लेयर में वाटर इंवाइव होने का कारण ऐसा होता है इट इज ऑल्सो नॉन स्पेसिफिक फाइंडिंग दो नॉन स्पेसिफिक और वा, वाशर वाशर वुमेन हैंड ये हेल्प करता है फाइंड करने में टाइम सीन्स इमर्शन मतलब कितना देर से टाइम इमर्शन हुआ है सबसे पहले रिंकलिंग ऑफ स्किन होता है थ्री टू फोर आवर में क्या होता है स्किन का रिंकलिंग होगा थ्री टू फोर आवर में पीलिंग क्यूटिकल का पीलिंग कितने में होगा ट्वेल्व आवर में होगा ब्लीचिंग होगा ट्वेल्व आवर में सॉडिंग होगा ट्वेंटी आवर में तो रिमेंबर तो करना पड़ेगा कि ब्रिंकलिंग पीलिंग ब्रिंकलिंग मतलब अभी बुढ़ापा की तरह हो गया पीलिंग मतलब कि वो स्किन से उसके परत को हट रहा है ब्लीचिंग उसके बाद होता है ब्लीचिंग ब्लीचिंग पाउडर की तरह सोडिंग तो ब्रिंकलिंग कितने में होता है थ्री टू फोर आवर में होता है पीलिंग ऑफ क्यूटिकल ब्रिंकलिंग ऑफ स्किन होता है थ्री टू फोर आवर में और पिलिंग ऑफ क्यूटिकल ट्वेल्व आवर में ब्लीचिंग होता है ट्वेल्व आवर में सॉर्डनिंग होता है ट्वेंटी फोर आवर में और ये स्टार्ट कहाँ से होता है फिंगर से स्टार्ट होता है पाम में जाता है उसके बाद बैक ऑफ हैंड में जाता है उसके बाद सोल में जाता है और ये गर्म पानी में ज़्यादा होता है तो क्या होता है सबसे पहले फिंगर्स में स्टार्ट होता है फिर पाम में होता है फिर बैक ऑफ हैंड में जाता है फिर सोल में होता है मोस्टली ये वार्म वाटर में होता है ज़्यादा होता है वार्म वाटर में नाउ इंटरनल फाइंडिंग इंटरनल फाइंडिंग में सबसे पहले हम लोग लंग्स की बात करेंगे तो लंग्स में क्या होगा लंग्स कैसा होगा वॉल्यूम क्योंकि वाटर अंदर चला गया तो उसका वॉल्यूम इंक्रीज हो जाएगा क्रिपिटेंट मतलब आवाज टाइप से क्रिपिटेंट आवाज करेगा बैलूनिंग आउट मतलब कि मतलब कि जब हम लोग स्टर्नम को खोलेंगे तो अचानक से हमारा लंग जो है बैलून आउट कर जाएगा मड़ इन द एयर वे मतलब जो लोअर लोअर ईयर वे है उसमें मर्ड भी रहेगा उसके बाद है प्लेट ऑफ हेमरेज प्लेट ऑफ हेमरेज मतलब क्या होता है जो हमारा एल्ब्यूलर वॉल है उसका रपच्चर हो जाता है रक्चर ऑफ एल्ब्यूलर बाल वॉल या फिर कैपल क्यों होता है रेस्पेक्टरी स्ट्रगल के कारण मोस्टली कहाँ पर होता है लोअर लोब में होता है और सब प्यर एरिया में होता है कहाँ कहाँ पर होता है मोस्टली लोअर लोब में होता है और सब प्लोअ एरिया में होता है और इम्फी बुले और क्या फॉर्मेशन होता है इन्फाइसेमेटिस बुले की फॉर्मेशन होता है तो लंग्स में क्या हो गया वॉल्यूमिनस लंग होता है क्रिपेटेंट आवाज करता है पैलोनी हॉट मतलब तो हम लोग स्टर्नम को ओपन करते हैं डेक्सीजन के सामने तो अचानक से लंग्स बाहर आता है एयरवे मड एयरवे में मड मिलता है मोस्टली लोअर एयरवे में प्लट ऑफ हैब्रिज किसको बोलते हैं कि बॉल में रक्चर हो जाना कैपिलरीज का क्यों क्योंकि रेस्पिरेटरी स्ट्रगल के कारण प्रिपीडोमेटरी लोअर लोब में होता है और सब प्लोअ एरियाज में होता है और इन्फाइसेमेटिस बुले का फॉर्मेशन हो जाता है

ठीक है जो कॉन्शियस पर्सन है वो ड्रॉन कर रहा है और स्ट्रगल भी कर रहा है तो बुले भी फॉर्मेशन होता है प्लेंट ऑफ हेमरेजेस भी हो, 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 होता है ठीक है इडीमा एक्सम हेवी लंग्स विथ इडीमा एंड नो फ्रॉथिंग सीन ये कब दिखता है जब अनकॉन्सियस पर्सन ड्रॉन करता है मतलब लंग्स में पानी चला जाएगा फूल जाएगा एडिमा हो जाएगा पर कोई फ्रॉथिंग उसमें नहीं दिखेगा एक होता है हाइड्रोस्टैटिक लंग्स इसको बोलते हैं पोस्टमार्टम मतलब कि मरने के बाद उसको पानी में डाला गया तो उसमें कैसा लंग्स में मिलेगा हाइड्रोस्टैटिक लंग्स मिलेगा नाउ बाट्रा स्टमक में भी चला जाता है इंडेशन में भी चला जाता है अगर बाट्रा स्टमक और इंडेशन में चला जाता है तो उसको हम लोग एंटीमॉटम ड्रॉनिंग का होता है ठीक है ना साइनसिस में भी पानी जाता है जिसको हम लोग बोलते हैं स्पेक किनोफ साइन मिडिल ईयर में जाता है उसको बोलते हैं यूनियो साइन मिडिल ईयर का हेमरेज भी हो, हो जाता है कभी कभी इस नॉन स्पेसिक फाइनिंग क्योंकि ये और भी बहुत सारी चीजों में होता है

ठीक है और अगर हम हमको माइक्रोस्कोपी देखेंगे तो इनका आउटर वॉल होता है वो सिलिका से बना होता है ठीक है ना और ये जो सिलिका होता है वो हीट से एसिड से और प्यूट्रिफिकेशन प्यूरिफिकेशन जो कि हम पोस्टमार्टम जिन्हें हम जीने पढ़े थे सब सबसे रेजिस्टेंस होता है तो आउटर वॉल किसका बना हुआ है सिलिका का बना हुआ है और ये हीट से एसिड से खुद के लाइजोमल इंजाइन प्यूटिफिकेशन सबसे सबसे ये रेजिस्टेंस होता है आफ्टर दैट एंटी मॉडर्न ड्रॉनिंग में क्या होता है जो डाइटम्स जो होते हैं वो एल्बोली में वाटर के साथ एंटर करता है और एंटर करता है ब्लड सर्कुलेशन में ठीक है ना उसका साइज कितना होता है लेजन फोर टी टू सिक्सटी माइक्रोन कितना होता है लेजन फोर टी टू सिक्सटी माइक्रोन होता है और ये हार्ट में जाता है हार्ट में जाने के बाद ये बोन मैरो में ब्रेन में स्प्री में चला जाता है कहाँ पे होता है हार्ट में जाने के बाद क्या होता है बोन मैरो ब्रेन और स्प्रीन में चला जाता है अगर डायटम्स मैरो सैंपल में मिलता है तो पर्सन इलाइव होता है वाइल्ड ड्रॉनिंग क्या हो गया अगर डायटम जो होता है कहाँ पर फाउंड होता है मैरो सैंपल में अगर फाउंड होता है तो पर्सन इलाइव होता है वाइल्ड ड्रॉनिंग डायटम फाउंड इन ऑर्गन मैस्ट विथ्रो कंट्रोल ठीक है उसके बाद जहां से पानी मिला जहां जिस जहां से वो बॉडी मिला है और जो उसके बॉडी के अंदर डाइटम्स है ठीक है ना उससे हम लोग कंपेयर करते हैं तो मतलब कि उससे कुछ कुछ हमें पता चल जाता है ठीक है ताकि मतलब कि उसी पानी में उसको डुबाया ऐसा नहीं कि कहीं से और ला के उसको डुबाया गया है यहाँ पर डाल दिया गया है ठीक है एंड दिस इज नॉट सीन इन ड्राई ये भी इंपॉर्टेंट है कि ड्राई ड्रॉनिंग में हाइड्रोक्शन में नहीं दिखता है नॉट इन कॉमन यूज ठीक है उसके बाद गेटलर टेस्ट इसका लिमिटेड प्रैक्टिकल यूज होता है गेटले टेस्ट इस ये प्राक्ट यूज़ एक लिमिटेड प्रैक्टिकल यूज है कंपेयर करते हैं हम लोग क्लोराइट के कंसनट्रेशन को ब्लड में फ्रॉम द राइट एंड लेफ्ट हार्ट चैम्बर मतलब कि हम लोग जो ब्लड ब्लड में जो क्लोराइट क्लोरिया कंसनट्रेशन है वो कहाँ कहाँ पे हम लोग मैच करेंगे राइट हार्ट में और लेफ्ट हार्ट के चैम्बर्स में नॉर्मली क्या होता है दोनों में इक्वल होता है बट सिग्निफिकेंट क्या होता है जब ट्वेंटी फाइव परसेंट ज्यादा डिफरेंस होगा तब तब, तब 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 मतलब हम लोग हम लोग को लगा कि हाँ दिस ए केस जैसे कि अगर फ्रेश वाटर ड्रॉनिंग है तो उसमें ह्यूमराइलेशन होता है ठीक है ना राइट right में ज्यादा होता है एज कंपेयर टू लेफ्ट में लेकिन अगर सोल्ट वाटर ड्रॉइंग है तो हीमो कंसनट्रेशन होता है लेफ्ट में ज्यादा होता है एज कंपेयर टू राइट में ठीक है तो ये तो ऑफकोर्स ये है कि सोल्ट सोल्ट वाटर में क्या होगा लेफ्ट साइड से मतलब कि जो लंग्स uh, से उधर से आएगा तो यहां पे हीमो कंसेंट्रेशन हो रहा है और फ्रेश वाटर में क्या होगा हीमोलेशन राइट right में ज्यादा होगा लेफ्ट से ज्यादा में तो जो फ्रेश वाटर ड्रॉइंग है इसमें क्या होगा राइट हार्ट क्रॉय में रिमेन सेम लेफ्ट हार्ट में क्लोराइन डिक्रीज कर जाएगा और सॉल्ट वाटर में रिमेन सेम लेफ्ट हार्ट uh, क्लोइड इंक्रीज कर जाएगा नॉट यूजफुल इन ड्राई ड्रोनिंग ड्राई ड्रोनिंग में यूजफुल नहीं होता है या फिर जो पेटेंट फ्रामिन ओवेले हैं क्योंकि वहां पर मिक्सिंग ऑफ ब्लड हुआ था उसमें भी यूजफुल नहीं होता है नाउ डिफ्रेंस बिटवीन टिपिकल ड्रोनिंग एंड ए टिपिकल ड्रोनिंग टिपिकल ड्रोनिंग में क्या होता है वाटर जो होता है एंटर कर जाता है लंग्स में ठीक है ना ये दो तरह का होता है फ्रेश वाटर ड्रॉनिंग और सॉल्ट वाटर ड्रॉनिंग अब ए टीपिकल ड्रॉनिंग में क्या होता है डेथ जो होता है बिदौर वाटर एंट्रिंग के कारण होता है इसमें भी दो होता है ड्राई ड्रॉइंग एंड हाइड्रोकेशन थैंक यू